एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संघ के आशिक ने महिला की कुल्हाड़ी से गर्दन काटी, फिर शव से निपटा। टेनी की गिरफ्तारी के लिए करें आंदोलन, पेट्रोल डीजल फिर भड़के। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जालौर के आहोर क्षेत्र में रविवार को एक तरफा प्यार में प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी। महिला का दम निकलने तक कुल्हाड़ी से लगातार वार करता रहा। जब तक महिला की सांसें चलती रही, आरोपी चिल्लाता रहा कि वह उसे मार देगा। कंधे, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर इतने वार किए कि जमीन खून से लाल हो गया। आरोपी पर पागलपन इस कदर हावी था कि मौत के बाद शव से लिपट गया। पुलिस ने सन के आशिक को मौके से गिरफ्तार किया है। मौत का ऐसा मंजर शायद ही कहीं देखने को मिला है। थावला गांव की 32 वर्षीय महिला शांति देवी पत्नी शांतिलाल चौधरी मनरेगा मजदूर थी। महिला का पति शांतिलाल महाराष्ट्र में काम करता है। शांति देवी के दो बेटे हैं। यहां अपने ससुराल के लोगों के साथ रहती थी। शांति देवी रविवार को जोजावर नाडी में मनरेगा में काम कर रही थी। इस दौरान गांव का ही रहने वाला 21 वर्षीय गणेश पुत्र धानाराम मीना आया। उसने महिला से कहा कि वह उससे प्यार करता है। महिला ने इनकार किया तो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पागलपन में आरोपी ने कुल्हाड़ी को घुमाकर कहा कि आज वह उसे मार कर ही रहेगा। आरोपी चिल्लाता रहा और महिला की गर्दन टूटने पर भी कुल्हाड़ी से वार करता रहा। जब तक महिला की मौत नहीं हो गई, उसने हमला करना नहीं रोका। दूसरी खबर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। अब उन्होंने अपनी नई तस्वीर राजस्थानी रंग बिरंगी टोपी के साथ लगाई है। इससे पहले भी दो बार वे अपने प्रोफाइल पिक्चर इसी तरह से बदल चुके हैं। ये तीसरा मौका है जब बीते कुछ माह में उन्होंने अपनी तस्वीर बदली है। साथ ही उन्होंने एक नई अपील में कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे 26 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करें। इसके लिए देश भर के किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे दिया गया है। ये भी कहा गया है कि सभी कार्यकर्ता तैयारी के साथ आंदोलन करें। आंदोलन कहीं से हल्का नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी खबर, वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला रविवार को लगातार पांचवें दिन जारी है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में अब एक लीटर पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में यह 103.40 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में डीजल 96.32 रुपए और मुंबई में 104.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश भर के पेट्रोल पंपों पर वाहन ईंधन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लगातार पांचवा दिन है जब ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 18 और 19 अक्टूबर को पेट्रोल व डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।